क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा गया है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के केस में जब भी हमें क्लोज इंटरवल दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि वो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। जैसे इसके चारों पार्ट में हमें क्लोज इंटरवल दिया है, तो आप समझ जाना कि एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, या आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर हमारा क्लोज इंटरवल है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही में फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले तो हम डैश ही फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, तो वो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है जी, इसे हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी जीरो। देखिए जीरो जो है ना इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, अब हमें ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ये जो डबल डैश है ये चेक नहीं करना होता, ना ये हमें साइन चेक करने होता। अब हमें सिर्फ डायरेक्ट जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट आया है तो इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और जो इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं ना माइनस का टू और टू, इन पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। जो मैक्सिमम आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम लिख रहे हैं नाउ वी चेक या वी इवेल्युएट एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है ना माइनस टू एंड टू, इन तीन पर हम वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन की। तो सबसे पहले तो मैंने जीरो पे चेक करी, तो ये हो जाएगा एफ जीरो, तो x की पावर थ्री मतलब जीरो की पावर थ्री, तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक, माइनस टू पे चेक करा भाई हमने, तो x की माइनस टू पुट कर दीजिए, माइनस टू की पावर थ्री माइनस का एट आ जाएगा, और टू पर चेक करेंगे तो टू की पावर थ्री इक्वल्स टू एट। ठीक है ना, ये तीनों वैल्यू आ गई। इसमें सबसे बड़ी देखे तो ये हमारी मैक्सिमम है वैल्यू, ठीक है ना, ये सबसे छोटी जो है ये वाली मिनिमम है। ठीक, तो लिख रहे हैं एफ एक्स हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट एट एक्स इक्वल्स टू टू, जब हमने एक्स की जगह टू पुट करा था तब हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई थी। एफ एक्स हैज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू माइनस का एट एट एक्स इक्वल्स टू माइनस का टू, भाई माइनस टू पे उसकी जो वैल्यू आई थी वो सबसे मिनिमम आई थी, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। एब्सोल्यूट के केस में हमें एफ डैश एक्स को जीरो करके हमें क्रिटिकल पॉइंट तो फाइंड करने होते हैं, फिर उसके बाद जो साइन वगैरह चेक कर रहे होते हैं वो नहीं करने होते हैं हमें, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उस पर और जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पर वैल्यू को चेक कर लेते हैं क्या ही फंक्शन की। जो मैक्सिमम होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जो मिनिमम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम है।